हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से हमारे जीवन के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं तो हमने बात की कि कितने तरह की बीमारियां होती हैं, बहुत तरह की बीमारियों के संदर्भ में, बहुत तरह की परेशानियों के संदर्भ में हमने चर्चा की। और दिनचर्या के अभाव से ही कुछ होने वाले मुख्य रोगों में जो बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित रहते हैं उनमें से एक तो मोटापा है और एक है कृशता। कुछ लोग बहुत दुबले हो जाते हैं, कुछ बहुत मोटे हो जाते हैं। तो हालांकि मोटे लोगों की संख्या ज़्यादा है दुनिया में, पतले लोगों की संख्या कम है, पर पतलापन होना भी एक समस्या और एक बड़ी जीवन के लिए मुसीबत है। तो हम चर्चा करेंगे कि जो बहुत मोटे लोग कौन हैं, यदि हम बात करें कि मोटापे के जो लक्षण हैं, आयुर्वेद मोटा किन को कहता है, कि जिनके नितंब बड़े बड़े हों या पेट बढ़ा हुआ हो, छाती में भी कई बार चर्बी जमा हो जाती है और चलते हैं तो आप पूरे सारे अंग हिलने लगते हैं, यानी कि चलते समय शरीर में यदि अतिरिक्त गति होती है, चलते समय जो एक नॉर्मल जो आजकल वो बॉडी मास की बात की जाती है कि कितना शरीर के अंदर वो होनी चाहिए, कितनी साइज होनी चाहिए, कैसा हाथ होना चाहिए, कैसे पैर होने चाहिए, कैसे वो उसकी बात बहुत चर्चा की जाती है, पर आयुर्वेद में तो बहुत सामान्य से उसको शरीर को मापने के लिए, देखने के लिए एक पहचान बता दिया कि जब आप चलते हैं, चलते समय आपका अंग जो एक चलते समय सहज हिलना चाहिए उसके अतिरिक्त कोई भी अंग ज़्यादा हिलता है, यानी कि वो उसमें अतिरिक्त मेद है इसलिए वो हिल रहा है, यानी कि जो हिलने वाले जो स्थिति है या जो गति के अतिरिक्त बराबर पैरेलल जो गति है वो मोटापे का जो है एक बड़ा सा लक्षण है। और जो मोटे उनको पता ही है जितना हमारे शरीर में वजन होना चाहिए, जितने हाइट है, जितनी एज है, हालांकि जो मोटे हैं वो भी अपने आप को ये तो दिखाते ही हैं कि हम तो बहुत ही बॉडी को लेकर के कॉन्शियस हैं, हमने हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे भी महापुरुष रहते हैं, हमने एक को कहा कि आप दिन भर क्यों खाते रहते हो, वो दिन भर खाते रहने की आदत, तो उन्होंने अपने पास रख रखा था भुने हुए चने, मुरमुरे, इस तरह के आइटम, मखाने, बता से। हमने कहा भाई ऐसा क्यों करते रहते हो, बोले आचार्य जी आपको पता है ये सारे जीरो कैलोरी हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो बता दो, ये जो जीरो कैलोरी है कभी एक भी होगा, जो इतना सारा खा लिया एक किलो तो वो जीरो ही रहेगा, कि जीरो में से कभी एक भी होगा। तो हम अपने मन को मनाने के लिए, यानी कि मन को संतुष्ट करने के लिए कई बार हम ऐसे आहार का ग्रहण करते रहते हैं कि जो हमारे देह के लिए हानिकारक होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार निश्चित अवधि पर ही खाने का विधान है। हम ये नहीं कह सकते आजकल कैलोरी माप माप करके लोग खाते हैं, मैं कैलोरी मापना की तो देखो शरीर बता देता है शरीर को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, शरीर ये बता देता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कभी कभी बहुत मीठा खाने की इच्छा होती है, कभी कभी खट्टे खाने की इच्छा होती है, कभी नमकीन खाने की इच्छा होती है, कभी लिक्विड लेने की इच्छा होती है, कभी दही खाने की इच्छा होती है, कभी दूध पीने की। यदि आप देखेंगे कई बार लोग तो अभी इतना खाते हैं चीज़ों को उनको पता ही नहीं रहता कि शरीर की डिमांड क्या है, पर यदि आपके पास थोड़ा सा जीवन में साधन में यदि आप मर्यादित आहार करेंगे तो शरीर बताने लगता है कि अभी आपको इस शरीर में इसकी आवश्यकता है। जैसे आपको भूख का पता चलता है ऐसे ही प्यास का पता चलता है, उसी तरह से अलग अलग पदार्थों का डिमांड का भी पता चलने लगता है। तो इसलिए जो ऐसे जो लोग हैं वो शरीर के वृद्धि के हिसाब से बल उत्साह वगैरह जो इस तरह का पालन नहीं करते हैं तो बल और उत्साह हिसाब नहीं होगा, और जिनके अंदर बहुत शिथिलता रहती है। हालांकि कुछ कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं मोटे तो होते हैं पर बहुत एक्टिव होते हैं, पर ध्यान रहे यदि आप यदि मोटे ना होते तो और कितने एक्टिव होते। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मोटापा ना बढ़े, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के जो मोटे लोग होते हैं ना, जितने भी जो हमारे जो स्रोत होते हैं उसके अंदर चर्बी जमा होने के कारण से पूरी रुकावट पैदा होने लगती है। तो रुकावट पैदा होने का सबसे लक्षण क्या है कि जो मोटे होते हैं उनको जल्दी से सांस फूलने लगता है, फिर शरीर में बहुत भारीपन बना रहता है, एकदम घबराहट और बेचैनी बनी रहती है, और विशेष कर करके जो वात होता है ना वो हमारे शरीर के जो हमारे जो कोष्ठ है अलग अलग जगह है वो जो हमारे पेट है उसमें गति करने लगती है, उससे पाचक अग्नि जो है
उत्तेजित हो जाती है, पर फिर वो कई बार क्योंकि सारे जो वायु है वो कोष्ठ में गति करने से क्या होता है कि जो मोटे होते हैं उनको भूख ज़्यादा लगने लगती है, यानी भूख लगती है तो वो जो जो भी खाता है वो पच भी जाएगा, पच जाएगा फिर भूख लगेगी, यानी कि इसलिए मोटे लोग ज़्यादातर लोग ज़्यादा खाते हैं या बार बार खाते हैं। पर कुछ मोटे ऐसे भी होते हैं, हम कहते हैं भाई आप थोड़ा भोजन कम किया करो, बोले आचार्य जी हम तो कुछ भी नहीं खाते, यानी कि जितने मोटे लोग हैं हमने देखा लगभग प्रायः जो मोटे होते हैं बहुत कम कहते हैं कि जी हम खाते रहते हैं इसलिए मोटे हैं, वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं खाते इसलिए मोटे हैं। और यदि आप दुबले पतले लोगों को यदि पूछिए कि भाई कुछ खाए कर, कहता है कि मैं तो सब कुछ खाता रहता हूँ पर फिर भी मैं मोटा नहीं होता। पर आप बिना खाए मोटे हैं, आप खा करके पतले हैं, ध्यान रखिए खाने में कुछ गड़बड़ है। तो जिस तरह से इसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मोटे लोग होते हैं कि वायु के लिए वो जठराग्नि तीव्र हो जाती है तो खाए हुआ जल्दी से हजम हो जाता है, फिर वो मेद में परिणित हो जाने लगता है। इस तरह से उनके अंदर जो पाचक अग्नि के रूप में पित्त और वात दोनों विकार पैदा हो जाते हैं और शरीर में चर्बी बढ़ने लग जाती है और इस वात कारण से अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। तो जैसे आयुर्वेद के अनुसार जो मोटापे के कारण हैं ये मुख्य कारण, वैसे तो मैं आपको बताऊँ मोटापे का जो मुख्य कारण में से जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, उनको जो मोटे होते हैं वो मोटे होते जाते हैं, जो कमज़ोर होते हैं कमज़ोर होते जाते हैं। तो सबसे पहला कारण तो है मानसिक की जो अवसाद है, टेंशन है, और दूसरा बड़ा जो कारण है वो शारीरिक श्रम का अभाव। यदि आप शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो मोटे होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मानसिक विकारों से बचिए, शारीरिक श्रम को करिए, यानी दो चीज़ आप यदि आज ही संकल्प ले लें, आज ही सोच लें कि मुझे मानसिक अवसाद से अपने आप को बचाना है और शारीरिक श्रम ज़्यादा करना है, यदि आप इतना संकल्प ले लें और समय पर खाना खाना है तो मोटापा कम ना हो जाए तो आप हमसे शिकायत करना, मोटापा निश्चित कम हो जाएगा। पर ये करना तो पड़ेगा क्योंकि मोटापा कम करना, आप सुन भी रहे हैं मेरी बातों को, ध्यान से सुन रहे हैं, सुन लीजिए, पर करना तो जरूरी होगा। क्या करना है, मानसिक अवसाद से आपको बचना है और आपको ये ध्यान रखना है कि भोजन को कंट्रोल करना है और अधिक मात्रा में नहीं खाना है, भारी चीज़ें नहीं खानी है, मीठे पदार्थों का कम सेवन करना है, ठंडा और चिकने पदार्थों का भी जो है वो उसको कम खाना है। ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा कि शारीरिक श्रम एकदम धड़ाधड़ जितना काम कर सकते हैं आप करना शुरू कर दीजिए, और दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। जैसे हमने पहले भी कहा कि दिन में सोने से मोटापा बढ़ता है, दिन में सोने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और थोड़ा सा मोटे लोग कुछ लोग जो है ना बहुत खुश रहते हैं, खुशी से भी मोटापा बढ़ जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपकी खुशी को छीनेंगे, उस खुशी में थोड़ा सा शारीरिक श्रम कर लो, उस खुशी में थोड़ा सा ज़्यादा कुछ आहार विहार का ध्यान दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। खुश हैं अच्छी बात है, पर उस खुशी में थोड़ी सी अपने दिनचर्या को भी आप बना लें तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से मानसिक जो शक्ति है उसका जो अभाव होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर होता है, मन का जो कमज़ोर होता है, जो जिसे कहते हैं ना छोटी छोटी बातों पर जिसको वो परेशान होता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है, हाय हाय करता रहता है, ऐसे लोग भी कई बार मोटे हो जाते हैं। हालांकि मोटे लोग में ज़्यादातर खुश रहने वाले भी काफ़ी ज़्यादा हमने देखे गए। इसके अलावा एक कारण और होता है जिसको हेरिडिटी बोलते हैं, खानदानी, जो खानदानी प्रभाव है वो बहुत खतरनाक होता है। प्रायः देखा गया है जिसके माँ बाप मोटे हैं उसके बच्चे मोटे होते ही होते हैं, जिनकी हेरिडिटी में जो मोटापा है वो चल करके आता रहता है। चलो हमने मान लिया कि कोई भी कारण से आप मोटे हुए हों, इन सब कारणों से क्या हो जाता है कि दूसरी धातुओं जो रस रक्त आदि की अपेक्षा चर्बी बढ़ जाती है, यानी कि रस रक्त मांस जो मज्जा अस्थि की जगह पर वो मेद बढ़ जाने लगता है। सारी धातुएँ तो कम हो जाती हैं, वो मेद जो है जो चर्बी है उसकी बढ़ने शुरू हो जाती है। चर्बी की वजह से क्या होगा, वो ढीलेपन भारीपन उसकी जो है उसकी कोमलता, क्योंकि चर्बी का जो सॉफ्ट पना होता है कोमल है उसका गुण, उसके कारण से क्या होता है कार्य करने की क्षमता में बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार कई मोटे लोग भी अच्छे काम करते हैं परंतु यदि आप और पतले हो जाएं तो कार्य की क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो मोटापे से आप महसूस करते होंगे, और क्योंकि चर्बी में क्योंकि कफ अंश होता है तो चर्बी तरल और थोड़ा भारी होती है, इसलिए कहा कि इससे धातु का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए शरीर मोटा होने पर भी शरीर में ताकत नहीं होती है, यानी जो थुलथुल शरीर होता है, कई लोग होते हैं थोड़े मोटे होते हैं जिनका शरीर सुगठित है,
सुंदर सुडौल शरीर है, वहाँ पर थोड़े मोटा होने पर भी यदि आपका शरीर जो है बहुत मजबूत है तो वहाँ पर स्फूर्ति होती है, परंतु नहीं तो मोटा शरीर होने पर भी थकान है, मोटे मोटे हैं जी, श्वास चढ़ रहा है, चला ही नहीं जाता है, बैठे हैं कि क्या करें, बड़ी कमजोरी महसूस होती है, तो आपके शरीर का जो मेद है, अतिरिक्त मेद है, उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उस मेद को वो ख़त्म करें। और इसके लिए हम अब आपको बताएंगे कि ये तो बात हो गई, मोटे हम हैं, हमको पता है कि हमको क्या परेशानी होती है, आप परेशानी की बात मत करो, आप तो समाधान की बात करो, तो हम समाधान की बात अब आपको बताते हैं। बात करते करते भी हमें तो बहुत सारे मोटे लोग याद आ रहे थे, बहुत सारे लोग जो हमारे संपर्क में हैं, तो अब हम आपको उसको मोटापे को दूर करने के लिए जो उपाय बताते हैं। वैसे मोटापा दूर करने के लिए आयुर्वेद में जो लंघन है, लंघन चिकित्सा के लिए और अपतर्पण चिकित्सा के लिए कहा गया है। लंघन है कि आप वो चिकित्सा है कि जैसे मैं एक तरह से कहूँ कि पूरी तरह से आप उपवास जो आप करते हैं, लंघन करते हैं, तो उससे आपके शरीर का जो चर्बी है, मेद है, वो धीरे धीरे छटने लगता है। तो लंघन के लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम आहार लें, रसाहार पर रहें, या फिर हम उष्ण जो पेय हैं उनका ज़्यादा सेवन करें, उससे शरीर में हल्कापन आ जाता है, शरीर की चर्बी कम होने लगती है, कम चर्बी होगी तो वजन भी कम हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग तरह की औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे अग्नि, वायु और आकाश महाभूत की जो प्रधानता होती है, इस आधार पर लंघन के लिए आयुर्वेद में जो है जैसे शुष्क सूखे, रुष्क रूखे और जो कठोर औषधीय द्रव्यों का प्रयोग आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, तो उसके लिए कुछ उपाय आयुर्वेद में कहा है कि हम कैसे करें, तो हम अब आपको संशोधन चिकित्सा के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे उल्टी करना, उनको कभी कभी उल्टी करना, या विरेचन, दस्त करवाना, दस्त में भी विशेष कर करके यदि आप आयुर्वेद के षटकर्मों को करते हैं, या आयुर्वेद योग के षटकर्मों को करते हैं, या आयुर्वेद के पंचकर्मों को करते हैं, तो वो लाभकारी हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे आयुर्वेद के षटकर्मों में आप पंच जो अपना शंख प्रक्षालन है, शंख प्रक्षालन बहुत ही लाभकारी है विरेचन के लिए, वहाँ आपको दवाई नहीं लेनी, आपको दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है, आप नींबू और गर्म पानी डाल करके, थोड़ा सा नमक डाल करके, जिनको ज़्यादा शरीर में दर्द हो नींबू कम लेना, जिनको बीपी ज़्यादा हो नमक कम लेना, गर्म पानी जितना हो गर्म पानी हो सकता है, उसके बाद में शंख प्रक्षालन के 5 आसन है महत्वपूर्ण, उन आसनों को कर लें, धीरे धीरे उन आसनों को करते रहें, आपको फिर शौच की क्रिया होने लगेगी, आप पूरा पेट साफ हो जाएगा, बाद में फिर आपको उल्टी कर करके शोधन करें। तो इस तरह से यह संघ प्रक्षालन की क्रिया है, आप उसको भी कर सकते हैं, किसी के संरक्षण में जो जानकार व्यक्ति है उसके उसमें करें, या आयुर्वेद के पंचकर्म करवा लें, फिर साथ में एनिमा भी आप ले सकते हैं, उसके लिए दूसरे की सहयोग की जरूरत पड़ेगी, नस से वगैरह नाक में दवाई वगैरह डालना, इस तरह से जो मलों को बाहर निकालना, यानी कि जितने भी संचित मल है उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उस मल को बाहर निकालें और अंदर ना जाए। आप सोचिए कि जो शरीर के अंदर जो दोष है इसको हमने बाहर निकाल दिया, अंदर हमने जाने के लिए ऐसे कोई पदार्थों का हमने सेवन नहीं किया, तो मोटापा क्यों नहीं कम होगा? हाँ, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, जो मेद की वृद्धि जब एक दिन में नहीं हुई है, एक दिन में आप सोचें कि मैं पतला हो जाऊं, थोड़ा संभव नहीं है, धैर्य तो चाहिए, निरंतरता भी चाहिए, धैर्य और निरंतरता से ही सब कुछ सिद्ध होता है। तो आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो ये भी आप जरूर पतले होकर के दिखा सकते हैं। तो जिन उपायों को, जिन बातों को हम कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कर लीजिए। रात को जैसे हमने कहा कि जल्दी सोना, जल्दी उठना, आपको ये तो पालन करना ही करना पड़ेगा, और उपवास जैसे हमने कहा कि कम भोजन लो, और कम से कम भोजन लीजिए, समय पर भोजन ले लीजिए, हल्का भोजन ले लीजिए, समय पर भोजन ले लीजिए, वो बहुत जरूरी है। प्यास, कितनी भी प्यास लग रही हो, जितना भी प्यास लगे, ठंडा पानी आज से ही बंद कर दो, बिल्कुल नहीं पीना, कितनी भी गर्मी हो, कितना भी भयानक प्यास हो, गर्म पानी पीना आपको, गर्म पानी, ज्यादा प्यास हो, ज्यादा गर्मी हो, थोड़ा कम गर्म लेना, नहीं तो ज्यादा गर्म ले लेना, ध्यान रख लेना। सुबह और शाम को हवा लगने देना शरीर को, हवा लगने का अर्थ है कि घूमने के लिए, प्रातः सायं, और कहीं जगह नहीं तो अपने छत में जाओ, छत में नहीं तो आप कहीं भी नीचे पार्क में टहलो, जरूरी है। आप सुबह शाम आप भ्रमण जरूर करें, जो भ्रमण है, जो वॉक है, मॉर्निंग इवनिंग, ये शरीर के लिए जरूरी है। शारीरिक व्यायाम, व्यायाम के लिए जरूरी है कि जैसे हमने कहा, आप जिम जाना जरूरी नहीं है, आप सूर्य नमस्कार करिए, आप योगासन करिए, प्राणायाम करिए, पर हर रोज करिए। आप
आपको लगता है वो शरीर वेडोल हो गया, एक दिन जोर लगाते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं, 4 दिन कर लेते हैं, 2 दिन बंक मार देते हैं, ऐसा नहीं। आप इसमें निरंतरता रखिए और इसी तरह से जरूरी है कि जो पाचक औषधियाँ जो पूरे शरीर का पाचन करती हैं, कब्ज रहता है तो बिल्कुल मत रहने दीजिए। इसके अतिरिक्त ये सारे लंघन के जो प्रयोग थे मैंने आपको बताया कि कुछ लंघन के अतिरिक्त तो मोटापे को दूर करने के लिए भी कुछ उपाय और आप कर सकते हैं। उसके लिए जैसे वृक्ष और जो गर्म द्रव्य हैं उन द्रव्यों का जो है आप सेवन कर सकते हैं। उन द्रव्यों के सेवन के अतिरिक्त जो है आप और कुछ और उपाय कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद के अंदर जो है तक्र का सेवन भी लाभकारी माना गया है। तक्र के साथ में मट्ठा पर इतना नहीं, वो छाछ लेना है आपको, वो लस्सी नहीं, पंजाब वाले लस्सी नहीं, वो मोटे मोटा ग्लास और भारी भरकम गाढ़ा, जैसे वहाँ लस्सी ऐसी होती है जैसे आप उसमें चम्मच भी डाल दो ना वो यूं खड़ी रहती है, ऐसे लस्सी नहीं, जो गुजराती स्टाइल की लस्सी छाछ, हाँ छाछ का सेवन, पर वो खट्टा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे वह बहुत खट्टी होती है, तो स्टाइल हो गुजराती पर मिठास हो पंजाबी, तो उसको मिला देंगे तो हो जाएगा मोटापे की औषधि। तो इस तरह से आपको छाछ का सेवन करना है। और तक्र के साथ में जैसे छाछ के साथ में जौ की रोटी है, मिस्सी रोटी जहाँ जौ गेहूँ चना मिला करके रोटी है उसका सेवन करिए, और या फिर आप गेहूँ और जौ मिला करके कर लीजिए, तो इससे आप देखेंगे कि ये थोड़ी सुपाच्य भी होगी, मोटापे को कम करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, लौकी वगैरह की सब्जी, लौकी याद करते ही कई लोग हमारे पहले तो नाक भौं सिकुड़ लेते थे और अब लौकी का एक बिल्कुल उसके गुण की वजह से आज भारत के 5 स्टार में भी और दुनिया के कई देशों में भी श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से पहुंच गया है। तो उस लौकी से आप वंचित मत रहना जिस लौकी ने आज दुनिया में राज कर लिया है। पहले तो यह दृष्टि से देखते थे, बीमारों की सब्जी मानते थे, आज वह स्वस्थ कर सब्जी बन गई है, उसका आप सेवन कर लीजिएगा। और सुबह गर्म पानी में, जैसे कि सब लोग करते हैं आजकल फैशन भी हो गया है, सुबह गर्म पानी, कितना गर्म पानी होना चाहिए पीने लायक, गर्म पानी के अंदर में 1 चम्मच शहद डाल दीजिए, शहद डाल करके आप उसका सेवन कर लीजिए, बहुत ही लाभकारी, उससे मोटापा कम हो जाएगा। और हरी सब्जियों का फलों का ज़्यादा सेवन कर लीजिए, हरड़ बहड़ा आंवला आप जानते हैं, उसमें चाहें तो थोड़ा गीलो और थोड़ा और नागर मोथा भी मिला सकते हैं, इसका काढ़ा बना करके मोटापे वालों के लिए काढ़ा इस तरह से आप बना सकते हैं। त्रिफला में नागर मोथा और गिलोय मिला दे तो अच्छा है, 5 चीज़ें हो जाएंगी, नहीं तो त्रिफला लेकर के रात को आप लगभग आप 20 ग्राम त्रिफले को आप डाल लीजिए, करीबन आधा किलो पौने किलो पानी में, उसको रात को भिगो करके मिट्टी के बर्तन में सुबह उसको इतना पका लीजिए कि आधा बच जाए, यानी कि 250-300 ml बच जाए, उसको छान करके उसमें थोड़ा शहद मिला करके सुबह सुबह प्रतिदिन पीजिए, इससे आप देखेंगे आपका मोटापा कम हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, पेट साफ हो जाना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में संचित जो मल और टॉक्सिक है वो ठीक हो जाएगा। तो उसी को जिनको ज़्यादा मोटापा है उसको फेंकना नहीं, जो सुबह आपने छाना है, छाना हुआ रखा है, उसमें फिर आधा किलो पानी डाल दीजिए, उसी हंडिया में छोड़ दीजिए, शाम को फिर पकाइए, पका करके उसको शाम को पीजिए, दोनों टाइम पीजिए, इससे ज़्यादा पेट साफ हो जाए। तो 20 ग्राम की जगह आप 10 ग्राम मात्रा कर सकते हैं, इसको लगातार ले लीजिए। हालांकि हम मोटापे के लिए मेदोहर वटी देते हैं, उस त्रिफले काढ़े के साथ में आप मेदोहर वटी ले सकते हैं, आप त्रिफला गुग्गुलू ले सकते हैं, क्योंकि मेद के समन के लिए आयुर्वेद में गुग्गुल को बहुत उत्तम औषधि माना गया है, और क्योंकि यह त्रिफला भी बहुत ही मोटापे को कम करने वाला है। इसमें हम लोगों ने एक प्रयोग और किया, मोटापे को दूर करने के लिए हम एक स्पेशल तरह का हम दलिया बनाते हैं, मोटा मेदोहर दलिया, आप पतंजलि के उससे ले सकते हैं, नहीं तो घर में बना लीजिए, क्योंकि लोग कहेंगे कि यदि हम कहेंगे पतंजलि से ले लो, कई भाई ये कमेंट्स कर लेते हैं कि यहाँ भी बिजनेस, अरे भाई बिजनेस नहीं, तुम घर में बनाओ, बना करके दूसरों को देना शुरू करो, आप बिजनेस करो, हम आपको बिजनेस के उपाय बताते हैं। गेहूँ चावल बाजरा लिख लीजिएगा, गेहूँ चावल बाजरा ये 3 और मूंग ये 4 द्रव्य, गेहूँ चावल बाजरा मूंग ये 4 अनाज जो है बराबर मात्रा में, यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए बराबर मात्रा कितनी, जैसे आपने 500 ग्राम ले लीजिए, यानी 500 ग्राम में ये हुआ आपका 2 किलो गेहूँ, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम और साबुत मूंग 500 ग्राम, ये आपने 4 द्रव्य लिए, ये 2 किलो हो गया। इसको धीमी आँच पे सेक लीजिए, धीमी आँच पे थोड़ा सा सेकना है, सेक करके ये आपका दलिया जैसा तैयार हो गया। इसमें क्या करना है, 20 ग्राम तो अजवाइन मिला दीजिए और इसमें मिलाइए 50 ग्राम तिल, सफ़ेद तिल मिला लीजिए, क्योंकि काला तिल थोड़ा कड़वाट होता है, उसको मिला लेते हैं, तो ये आपका बन गया 2 किलो 70 ग्राम। इसमें से लगभग 50 ग्राम दलिया और 400 ml पानी में पकाइए,
या उसको पका करके धीरे धीरे रूप से आपको सेवन करना है। थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं जितनी भूख लगे। कई भाई लोग तो इस मोटापे वाले दलिया में सब्जी ये वो मसाला मेवे फिर घी सब डाल देते हैं, फिर वो मोटापा कहाँ दूर करेगा, इसका ध्यान रख लीजिए। तो इसके अलावा एक और प्रयोग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रातः सायं यदि अश्वगंधा का पत्ता, जो देशी अश्वगंधा होता है, जंगली अश्वगंधा नहीं, देशी अश्वगंधा नागौरी अश्वगंधा का जो पत्ता है उसको मसल करके गोली बना करके सुबह खाली पेट गर्म के जल के साथ आपको लगातार लेना है। 15 दिन तक इस प्रयोग को करिए, फिर 7 दिन गैप करिए, फिर प्रयोग करिए। यह भी एक अद्भुत है मोटापे को कम करने के लिए। और जैसे हमने कहा कि नियमित रूप से संयत दिनचर्या का पालन कर लीजिए और त्रिफले का प्रयोग जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, तो इन सब साधनों को करने से मोटापा जरूर दूर होता है। और इसके मोटापे के साथ साथ इनसे होने वाले जैसे दूसरे रोग हैं यह भी इनसे दूर हो जाते हैं। तो आधुनिक युग में जो भौतिक सुविधाओं के कारण, शारीरिक जो श्रम के कारण से जो मोटापा है वो बढ़ता जा रहा है और इससे होने वाली बीमारियां भी खतरनाक रूप से बढ़ रही हैं, तो इनको रोकने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए, जो साधन बताया, वो सरल होने पर भी यह सटीक हैं, यह लाभकारी हैं। और नहीं तो लोग क्या करते हैं आजकल, अलग अलग तरह के मोटापे के लिए सर्जरी कराते हैं, बहुत खतरनाक है। और इस तरह की अलग अलग तरह के जो उपाय करते हैं, जो कृत्रिम उपाय करते हैं, कृत्रिम उपाय नहीं करना हमको, हमको प्राकृतिक उपाय करना है। मोटापा बढ़ा भी है तो चिंता नहीं, टेंशन नहीं, समाधान ढूंढिए। समाधान जो मैंने आपको संक्षिप्त में मात्र 25 मिनट में मोटापे के कारण आपको चिकित्सा बता दिया है, तो इस काम को कम से कम आप 1 घंटा जरूर लगाइए। प्रतिदिन जिन उपायों को हमने बताया है उसके लिए आप 1 घंटा समय देंगे तो मैं वादा करता हूँ महीने में आपका कम से कम 10 किलो वजन तो अवश्य कम होगा। तो यदि आपका 50 किलो वजन भी फालतू है तो 4-5 महीने तो चाहिए, पता भी नहीं चलेगा 5 महीने कब कट गए। फिर वैसे आप स्लिम ट्रिम होंगे, लोग आपको देख करके कहेंगे क्या अद्भुत, कहाँ से ऐसे पतले हुए हो, तो हमें अच्छा लगेगा, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो इन उपायों को करिए, तब तक के लिए फिर हम और विषयों को लेकर के फिर आपसे करेंगे चर्चा।